तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं शास्त्री पार्क पार्क से लेके और खजूरी तक का वीडियो के इस पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है, तो आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ दोस्तों। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन हो तो प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के पसंद आप लोगों के बीच में लाता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं ये राइट हैंड पर मेरे मिक्सचर प्लांट और कास्टिंग यार्ड है, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा उसका कंस्ट्रक्शन का जितना भी सामान है वो इधर राइट में रखा हुआ है। और ये सारा शास्त्री पार्क है गाइस, देख सकते हैं। इस पर अभी शास्त्री पार्क पर कोई वर्क नहीं चल रहा है, कोई भी अभी ऐसा वर्क नहीं है। जो चल रहा है आपको बता दूं कि ये जो फ्लाईओवर है इसको क्रॉस करने के बाद में, यानी कि खजूरी पुस्ता या फिर शास्त्री पार्क पुस्ता कह लो, उस पर वर्क चल रहा है अभी तेज़ी के साथ। और आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे भी क्या 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 वर्क चल रहा है इस टाइम पे, और बहुत तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों। आपको बता दूं कि यहाँ पर पाइलिंग मशीन लगी हुई है, पाइल कर रही है, फाउंडेशन बना रही है, पिलर का स्ट्रक्चर खड़े किया जा रहा है, उस पर रिंग लगाए जा रहे हैं और कंक्रीट डाल के पिलर बिल्कुल कंप्लीट किया जा रहा है, और उस पर पियर कैप का काम भी किया जा रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों। बहुत तेज़ी के साथ में इस पर वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था और बताया भी था, तो उससे ज़्यादा आपको बता दूँ कि 90% काम तेज़ी के साथ में चल रहा है गाइस। और आपको बता दूं कि 210 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है हमारे दिल्ली के अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और दिल्ली देहरादून में जाके इसका एंड होता है गाइस। और आपको बता दूं कि 12 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, यानी कि एलिवेटेड रास्ता है, नीचे से जितने भी पशु पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए नीचे रास्ता दिया जाएगा ताकि वो घूम टहल सकें, पानी पत्ता पी सकें। इसलिए 12 किलोमीटर का एलिवेटेड पार्ट है जो कि गणेशपुर के आगे से स्टार्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीर, और ये 13,000 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है दोस्तों। और आपको बता दूँ कि आज की डेट में कि ऐसे दो अभी कॉरिडोर बनाए गए हैं, और आपको बता दूं कि ये 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि दिल्ली में होगा, और ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आपका उसमें होगा जंगल में। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और तस्वीरें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी कि किस तेज़ी के साथ में यहाँ पर वर्क कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि 6 लेन की ये रोड होने वाली है नीचे, और ऊपर एलिवेटेड फ्लाईओवर होने वाला है 6 लेन का, और ये एक्सिस्ट कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे होने वाला है जो दोस्तों, एक्सिस कंट्रोल्ड होगा ये एलिवेटेड रोड। आपको बता दूं कि इसमें 8 जो आपके 8 राज्य क्रॉस कर रहे हैं गाजियाबाद, इसमें उत्तर प्रदेश में अब राज्य क्या है तो आपको बताएंगे आगे। तो अभी ये देख लो कि यहाँ पर जो वर्क चल रहा है इस टाइम पे, शास्त्री पार्क पुस्ता। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर पिलर ये स्टैंड कर दिए जा चुके हैं, पर इन पर बस ये लास्ट वाला पिलर बचा हुआ है, पर ये भी स्टैंड कर लिया जाएगा, और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर ये
पिलर कैपिंग का काम चल रहा है इस साइड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी इन्होंने 5-6 पिलर कनेक्ट कर दिए हैं, जो कि बहुत तेज़ी के साथ में इस पर वर्क चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। और इसमें जल्दी ही इस पर पिलर कैप बनने के बाद में पर ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे बन जाएगा। 3 लेन इस साइड में बनेंगे और 3 लेन इस साइड में बनेंगे, दोनों साइड में 3-3 लेन होंगे। 6 लेन का एक्सप्रेस वे होगा और 6 लेन की ये रोड होगी, यानी कि 12 लेन का ये एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है दोस्तों। और बहुत तेज़ी के साथ में इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस टाइम पर। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पियर कैप बनाए जा रहे हैं इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर गाइस। और आपको बता दूं जो जगह है ये है शास्त्री पार्क और खजूरी पुस्ता के बीच का ये नज़ारा है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पियर कैपिंग की जा रही है तेज़ी के साथ में, और इसी तरीके से सारे में पिलर बनते हुए चले जाएंगे। तो दिखाते हैं चल के आगे आप सभी को गाइस।
देख सकते हो गाइस के सारे फाउंडेशन बनके कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दूं इस पे पिलर स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया गया सारे पिलरों पे, देख सकते हैं। ये आपको बता दूं खजूरी पुश्ता है और इस पर सारे पिलर कंप्लीट हो चुके हैं, देख सकते हैं। इनका पिलर का फाउंडेशन ऊपर खड़ा कर दिया गया है, ये देख सकते हैं। इनमें रिंग लगाए जाने, रिंग लगाए जाने के बाद में इसमें कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा, पिलर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस पर पियर कैप का काम किया जाएगा जैसा कि पेचे किया गया है। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें आप दो आप लोग देख सकते हो कि दोनों साइड में इस तरीके से ये पेड़ को काटा जाता है ऊपर से, फिर इसको एकदम नीचे से उखाड़ लिया जाएगा और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तरीके, ये पाइल मशीन लगी हुई थी, देखो ये इस पर यहाँ पर फाउंडेशन बनाया जाएगा और फाउंडेशन बना के इस पर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे ही दोनों साइड में ये बनाए जा रहे हैं। आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको बता दूं कि आने जाने वालों के लिए इसमें जो एंट्री पॉइंट भी दे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीर। और आगे खजूरी आने वाला है, और खजूरी आने वाला उसका फ्लाईओवर भजनपुरा वाला वो भी आने वाला। आपको बता दूं कि वहाँ से अगर लेफ्ट में जाते हैं तो हम सिग्नेचर ब्रिज के लिए चले जाएंगे उस फ्लाईओवर से, और राइट में जाते हैं तो हम गाजियाबाद के लिए चले जाएंगे, और अगर हम बिल्कुल सीधे सीधे जाते हैं तो हम बागपत बड़ौत के लिए निकल जाएंगे सहारनपुर के लिए, जो कि एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो दोस्तों। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों में, तू रिश्तेदारी में, जहाँ भी आप कर सकते हो करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि केपी संत द्वारा ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, और केपी संत के द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कहाँ से क्या चीज़ बनाई जा रही है। तो देख सकते हैं पायल मशीन कम्प्लीट हो चुकी है, और आपको बता दूँ ये दोनों साइड में बीम लगाए जाएंगे, और बीम लगाए जाने के बाद में इसको एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि राइट वाला पिलर और लेफ्ट वाले पिलर को जॉइंट कर दिया जाएगा, यानी कि बीम डाल के। तो देख सकते हो दोनों साइड में ही अभी इस पर फाउंडेशन कर लिया, फाउंडेशन देखो फाउंडेशन बना लिया गया है, पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, देखो इस तरीके से फाउंडेशन बनाया जाता है। तो आगे भी आप लोगों को देखने के लिए मिले, और जो सामने आपको चमक रहा है वो खजूरी का फ्लाईओवर है, पहले नहीं हुआ करता था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम रहता था, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों को आज देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर स्लो डाउन है। तस्वीरें आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो, और इसके फ्लाईओवर के बगल से ही जारी है पिंक लाइन दोस्तों। पिंक लाइन का भी आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना चैनल पर, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना पिंक लाइन का कि कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो उसके भी आप लोगों को वीडियोस आके देखने के लिए मिलेंगे। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के चैनल को फॉलो करो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको फेसबुक पे भी मिलूंगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलूंगा, जहाँ पे आप देखना चाहते हो केपी संत को, आप केपी संत को वहीं पे देखेंगे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा गाइस। तो देख सकते हैं ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है, दोनों साइड में पाइल कर रही है, क्योंकि राइट फ्रंट पे तो पाइल हो गया है, इन पर पिलर का स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट पे अभी इसमें कुछ जगह पाइल किया जा रहा है, कुछ जगह ज़मीन के अंदर पिलर डाले जा रहे हैं, कुछ जगह ये राइट हैंड पर बन चुके हैं, अभी पाइल चल रहा है। और ये है खजूरी खास, देख सकते हैं ये खजूरी खास है, देख सकते हो ये पुश्ता वाली रोड है, और पुश्ता वाली रोड पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना जोरों शोरों से काम चल रहा है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का गाइस, बहुत तेज़ी के साथ में बनाया जा रहा है, और साइड में ही जा रही है पिंक लाइन गाइस। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं।